दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबरें बिहार। इस वक्त अररिया जिला के मैं सिकटी विधानसभा के सोनामणि गोदाम में मैं मौजूद हूं। हमारे बगल में जो है ये नेपाल है और नेपाल ये सीमावर्ती क्षेत्र है और नो मैन्स लैंड है। ये सब बगल में जो है गोदाम थाना है और यहां से कुछ दूर में सशस्त्र सीमा बल का कैंप भी है। कहा जाता है कि नो मैन्स लैंड पर कुछ लोग बसे हुए हैं जिनको जो है अंचल अधिकारी द्वारा बार बार जो है इन लोगों का कहना है कि फर्जी नोटिस दे करके खाली करवाने की बार बार जो है प्रयास किया जा रहा है। इसी मुद्दे में जो है हम लोग यहां पर आए हुए हैं और हमारी टीम आई हुई है इन लोगों से, जो है जो लोग नो मैन्स लैंड पर बसे हुए हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करके और जो है सच्चाई जानने का जो है कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? ममता खातून। क्या हुआ, क्यों मीडिया पर्सन को बुलाया? क्यों बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, घर खाली करो। किसके जरिए से? सीईओ और यहाँ हटिया का जो ठेकेदार है उसके थ्रू यहाँ पे घर खाली करवाया जा रहा है। बोलिएगा, नो मैन्स लैंड पर बसे हम लोग। नो मैन्स लैंड पे बसे हम लोग, यहाँ से नोटिस लेके अररिया जिला भी गए हैं, डीएम से भी मिले हैं। मिले डीएम से? क्या कहा डीएम? उसका कहना है कि हमारा कोई आदेश नहीं है जो आप लोगों का घर खाली होगा, आप लोग जहाँ है वहाँ। बोले हम उसको कि मैम जब हम लोग बस नहीं सकते तो वहाँ हाट कैसे लग सकता? बोलता हाट नहीं लगेगा। डीएम को कुछ आवेदन वगैरह भी दिए? हाँ, डीएम को। कहाँ है वो? वो सब लेके आई है क्या? हाँ, हाँ, डीएम साहबा ने क्या कही? डीएम बोला कि तुम लोग रहो, ऐसा कोई मेरा डीएम को दिए थे? इनायत खान जी को या प्रशांत कुमार जी? इनायत खान को दिए हैं। कब की बात है ये? कब गए थे? 6 तारीख को गए थे। 6 तारीख को? हाँ, इनायत खान से मिले, उसको हम अपना सारा हाल बताए कि मैडम हम लोग कमाना और खाना हम लोगों का यही रहना है। अच्छा। कोई बिजनेस नहीं है वहाँ पे, जबरदस्ती बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, घर खाली करो घर खाली। जमीन देते हैं, चल नदी में जमीन दे रहा है, क्या उसमें हम डूबने के लिए जाएंगे जो कि पूरा साल पानी लगा रहता है? हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग कमाएंगे या घर तोड़ेंगे? बार बार यहाँ से भागेंगे, बार बार टॉर्चर आके करता है सीओ, घर तोड़ो नहीं तो आग लगा देंगे तुम लोगों को घर में। ऐसा बोल रहा है? कब कहा आप लोगों? रात में इस सब चीज का मीटिंग करता है। थाना पे भी जाके हम लोग बोले तो वहाँ का द्वारा वो भी कहता हाँ सही है, तुम लोगों का आदेश है, घर तोड़ो। हम आदेश मांगे। अच्छा, कितने लोग बसे हुए हैं? हम लोग यहाँ 15-16 घर हैं। अच्छा, टोटल यहाँ से बॉर्डर से लेके यहाँ तक 15-16 घर है। जो हम उससे मांगे कि हमको अगर डीएम का आदेश है आप हमको प्रूफ दीजिए ना, हम तोड़ देंगे। कहता नहीं ऐसा कोई नहीं है तुम लोग। और जब उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, उसका कोई बात कैच करते हैं तो वो हमको कहता है। क्या नाम हुआ आपका? गुलाम रब्बानी। यहीं रह रहे हैं अभी नो मैन्स लैंड पर? मेरी लड़की है वो। हाँ। अच्छा, हाँ। क्या क्या है मुद्दा? क्या वही मुद्दा है कि माने हम आज से नहीं बसे हुए हैं, बहुत दिन से बसे हुए हैं। अच्छा, और इतनी ठेकेदार आया हाट, आज तक कोई हाट ठेकेदार टोचन नहीं किया। ये ठेकेदार जो तीन ठो है इसमें, तीन, एक ठो है जमाल हुसैन, एक ठो है रामचंद्र, एक ठो सत्यनारायण। ये तीन ठेकेदार मिल के तीन टिकट महाविकट यही कर रहा है। हाँ, अब मोटी चौकीदार इस मुद्दे का जो है कि कुछ मुखिया जी को पता है क्या? मुखिया जी को पता है? मुखिया जी तो बना रहा है। क्या बोले? मुखिया को सारा बात पता है, उसके पास आप बोल के भी आए हैं। बोलता है वो मेरा काम नहीं है, तुम्हारा वोट लेने के क्या तुम्हारा काम रहता है? वोट लेने जो आते हो बॉर्डर पे बसे रहते तब ये नहीं पूछते। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ कब से बसे हुए? 50 साल हो चुका है, मेरा पापा को उम्र बीत रहा है इस जगह पे बसे हुए। यहाँ जो है ना, जब ये मेरा पापा यहाँ के बसा था ना, तो मेरा पापा जी तभी से बसे हुए, तभी से कोई जो है कि समस्या उत्पन्न नहीं हुआ था। लेकिन अब बड़ा लड़का मेरा ठोनिया था तभी बसे थे, हमको थाना के थ्रू बसावा थे। दरोगा जी हमको कहा कि जाइए पर्ची खाली है वहीं बस जाइए। इससे पहले आप लोग कहाँ पर थे? हम रहते थे गोदामे में, तो कुम्हार टोली जो है ना वहाँ घर बांध कर रहते थे। तो थाना के आगे दुकान था मेरा, तो बना था। दरोगा जी बोला हमको कि मास्टर जी अब नया थाना बना था, 85 में थाना बना था। तो दरोगा जी बोला कि मास्टर जी आपका दुकान से ना हमको डिस्टर्ब हो रहा, नेपाल नहीं देख पाते। तो हम दुकान को हटा कर, तो बोले आप ले आइए पर्ची पर, पर्ची खाली है वो बाँस है ना मेरा ही है, और पर्ची पर खाली वहाँ जाकर बना लीजिएगा घर, कोई भगा नहीं सकता। अभी आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि सुरक्षित, अभी बरसात भर हम कहीं नहीं जाएंगे, अगर जमीनें देना है सुरक्षित जगह पर जमीन दीजिए, हम चले जाएंगे। अच्छा, जमीन क्या हम लोगों को जहाँ पे चाहिए, जहाँ हम जमीन मांग रहे हैं। बिहार सरकार बोला, सीईओ बोला कि तुम लोग चॉइस करो तुम लोगों को कहाँ चाहे, हमको जहाँ पसंद है वो बिहार सरकार है, हमको वो जमीन दे दे हम चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को। अब तुम जमीन दोगे नदी में, क्या हम नदी में भरेंगे? जब तक भरेंगे, जितना भरेंगे, जितना कमाते नहीं खाते नहीं उतना तो हमको जमीन भरने में लग जाए। पूरा उम्र तो हम जमीन भरने में रहेंगे, तो मकान कब बनाएंगे, बच्चे को कब पढ़ाएंगे?
हम लोगों का अगर नहीं, क्या मांग है अभी आप लोगों का? हम लोग का मांग है, हम लोग जो डीएम के पास दिए हुए हैं कागज, वो जमीन पे हम लोग को पास करके दे 3 डिसमिल, और इंदिरा आवास पास करके दे, घर बना के हम लोग खाली कर देंगे। जो कि कल हम अंचल अधिकारी के द्वारा हम लोग के पास आवेदन आया, आवेदन आने के बाद वो आवेदन हम लोग नहीं लिए, वो आवेदन हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दिए। वो रिटर्न लेके चले गया, उसके बाद हमारे गांव का चौकीदार है मोती चौकीदार, वो आवेदन ला के सबका घर में चिपका चिपका के उसका फोटो ले रहा था। उसके बाद जब हमको ये चीज़ का पता चला, तब जाकर हम आकर यहाँ पे लाइव वीडियो बनाने लगे, जो कि वो खबर आपके पास जो पहुँचा है, तो जाके आप यहाँ पे आए हैं। खाना खाना है, हम लोग गरीब परिवार में से है, कोई पैसा कोई में, आपको नजर ही आ रहा होगा कि यहाँ पे कितने पैसे वाले हैं। सबका पति बाल बच्चा सब बेटा सब परदेश खटता है, यहाँ पे कौन कमा कितना कमाएंगे जो हम यहाँ से घर तोड़ के तुरंत उसका ऑर्डर पे हम चले जाएं? और पूरा घर हम लोग कब कैसे वो ऑर्डर दिया और हम घर तोड़ दें? क्या बोले मतलब यहाँ 3 आदमी को ज्यादातर टॉर्चर किया जा रहा है, जो की हम लोग 3 मुसलमान घर है और ये 5-6 घर डोम का है, ये लोग को ज्यादा परेशान किया जा रहा है। ये सारे लोग नो मैन्स लैंड पर जी, सब हम लोग सब नो मैन्स लैंड में बसे हुए हैं, सिर्फ टॉर्चर आप लोगों को जो है किया जाता है। ये कल जो है सीओ द्वारा आवेदन दिया गया है। अच्छा, दिखाइए। हाँ, सीओ द्वारा आवेदन दिया गया है, ठीक है। जो बोला गया है कि इसमें खाता नंबर 66 खेसरा 70 रकबा 3 डिसमिल ये आपको दिया जाएगा, जितने भी यहाँ है सबको। तो हाँ, ये आवेदन हम लोग नहीं लिए, ठीक है। तो हम लोग का कहना ये है सर कि ये जो खाता 66 खेसरा 70 3 डिसमिल ये है कहाँ पे, इसका जानकारी हम लोग को दे दें, उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सीओ इस चीज़ के लिए वेरीफाई करने के लिए नहीं आते हैं, वो किसी द्वारा अपने किराने द्वारा किसी द्वारा वो आवेदन भेज देते हैं। खाता है वो। क्या बोले चाची? टका ले चाहे 50,000-60,000 ले चाहे डोम की कर दे। कौन लिया टका? आपसे लिया? हमरा से नहीं लड़का, हमरा खाए के दुपाइये ना जम। किससे लिया टका? हटिया वाला सब से। तो आपने भगावे छे? क्या बोले? जब टका तो हमरा से नहीं दे छे तब भगा रहल छे, जे सब दे छे उस अगर राखे छे हमरा से नहीं दे छे हमरा से भगावे छे। सीओ साहब टका लिया? हाँ, कौन दिया है? रामचंद्र खाली है ना, जमीन बोलता है जमीन बिका हुआ, दूसरा जमीन है दूसरा का, तुमको कढ़ा मिलेगा जमीन, खाली जमीन हम लोग को नहीं दे रहा, जहाँ ऊंचा का जमीन है नीचा में दे रहा हम लोग को, और उसमें भी नहीं दे रहा कि बोला नहीं पहले खाली कर उसके बाद जमीन मिलेगा। आगे लगा दो वोट है ना, सीओ साहब के आगे लगा दो। 5-6 दिन भाग लिया। यही कहना चाहती हूँ कि मुझे डीएम का आदेश दिखाए सीओ। ये देखिए सर, ये भारत सरकार है, नेपाल सरकार का सीमा पे हम रह रहे हैं। आवेदन वहाँ से बना के लाया, कुर्सा काटा, ये फर्जी है, द्वारा हम लोग से साइन करवा लिया गया। इस पे क्या बोला ये? तुम लोग जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको बोला ये तुम्हारे जमीन का कागज आया है, तुम लोग साइन करो, और ये जो बूढ़ा बुजुर्ग थे वो साइन कर दिया, और ये कागज भेज जाएगा, बस की पर्चा जमीन भी भेज जाएगा, साइन कर दिया हम लोग, साइन कर दिया, बाकी बात वहाँ जाकर लगा दिया अररिया में। तब फिर से गए हम लोग वहाँ, कितना की माता थी बार बार, कितना दिन जाएंगे हम लोग, छोटा छोटा बाल बच्चा है, कितना दिन दौड़ के जाएंगे अररिया? इधर का नेता चमचा है, उधर नहीं सुधरेगा ना, कहीं ना कहीं आप लोगों का कहना है परेशान किया जा रहा है, हम लोग का बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। जब जागते हैं सुबह मुंह धोते हैं, कोलगेट के टाइम उधर टाइम आता है, कौन आता है 12 बजे रात में? हटिया वाला सब आवे छे। अरे ठेकेदार रामचंद्र भी आता है, सीओ साहब आता है। ठेकेदार क्यों आएगा? ठेकेदार क्यों आएगा? ठेकेदार वही है रामचंद्र बाबू, क्यों आएगा? अधिकारी ना आएगा। उसका कहना क्या है कि आप लोग हटाइए, नहीं हटाइएगा ना आपका मारपीट होगा, वो करेंगे, लेकिन आप हट जाइएगा बहुत जल्दी। ऐसे नहीं बोलता, तो कैसे बोलता है? प्यार से बोलता है। नोटिस जो नहीं ले रहा था उसके पास जबरदस्ती और उसके साथ बेचातानी किया, देखिए इसका हाथ, देखिए चौकीदार मोती चौकीदार कहा नहीं लीजिएगा नोटिस। कौन है मोती चौकीदार? यही थाना, अपना गोदाम थाना का। हाँ। अपने सुना मैंने गोदाम का। उसको किसने अधिकार दे दिया औरत को छेड़छाड़ कर? वही तो पूछा, वही ने बोले तब ना भागिए यहाँ से, खाली कीजिए नोटिस मिला, खाली कीजिए। यहाँ इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को जो है डराया और धमकाया जाता है, रात में 12 बजे आकर के ऐसा कहा जाता है कि जो है घर को खाली करो वरना घर में जो है आग लगा दिया जाएगा, ऐसा कहता है। ऐसा कहते करना, खाली करता आग नहीं लगाते मार देवे। आप लोग गरीब हैं, आपका सुनने वाला कोई नहीं है। कोई ना सुने हमारा बात है ना, कोई सुने छे कोई सहारे ना हमारा से गरीब लोग। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में, यह लोकतंत्र देश है जहां जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले इस देश में आज भी जो है गरीबों पर कहीं ना कहीं अत्याचार किया जाता है। यहां आकर के जो है
पता चल रहा है अत्याचार किया जा रहा है। गरीब सब डोम जा रहे हैं, डोम जा रहे हैं, डोम चाहिए, डोम होने का कहीं ना कहीं सजा आपको दिया जा रहा है। खा गुपिया ना तब मांग संग खाचे तो बना करे हमरा सब घर द्वार में गजागिन लगेबे मार देबे।